नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, किन्नौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किन्नौर में भयंकर भूस्खलन देखने को मिला है। निगलसरी 4 में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई है। पहाड़ों से तेजी से मलबा गिर रहा है। नेशनल हाईवे पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई है। प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। सेना और आईटीबीपी के वाहन भी सड़क पर फंसे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश से किन्नौर में बड़ा लैंडस्लाइड देखा गया है। और ये तस्वीर देखिए, किस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है। बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही है, जिसके वजह से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है। लोगों को सचेत रहने के लिए बोल दिया गया है, सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। पहाड़ों से तेजी से चट्टान गिर रहा है। नेशनल हाईवे 5 को पूरी तरह से अवरुद्ध किया गया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है। किन्नौर में लैंडस्लाइड का ये पूरा मामला देखा गया है। तस्वीरें आपके सामने, ये भारी भूस्खलन की वजह से ये रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। मौके पर पुलिस होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं। आईटीबीपी के जवान भी पूरी तरह से यहां पर तैनात किए गए हैं। तो किन्नौर में भयंकर भूस्खलन देखने को मिला है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये भयावह कितना है भूस्खलन, किस तरह से चट्टाने ऊपर से गिर रही है। पूरी तरह से जो ये मार्ग है, चट्टान गिरने की वजह से रास्ता अवरुद्ध हो गया है, ठप पड़ गया है। नेशनल हाईवे 5 का ये पूरा मामला है। प्रशासन ने पूरी तरह से यहां पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। लोगों को सचेत कर दिया गया है। तो सेना और आईटीबीपी के वाहन भी सड़क पर फंस गए हैं। मौके पर पुलिस होमगार्ड के जवान को भी तैनात किया गया है। किसी तरह की अनहोनी ना हो, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी से यहां पर अलर्ट किया गया है। तो किन्नौर में भयंकर लैंडस्लाइड का यह पूरा मामला, निगलसरी चौरा में लैंडस्लाइड का यह घटना, तस्वीरें आपके सामने, भयानक तस्वीर है। चट्टान ऊपर से गिर रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से भारी नुकसान हो गया है। वहीं बलादी गांव में भी नाले का जलस्तर बढ़ गया है, जिस वजह से कई घरों को, दुकानों को और एक प्राइमरी स्कूल को बाढ़ के चपेट में आने से पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों को प्रशासन से मदद की दरकार है। जब बाढ़ आई तो उसके बाद प्रशासन ने यहाँ की कोई सुध नहीं ली और ना किसी को पूछा गया, टेलीफोनी द्वारा भी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ पे जो भी आते थे वो चौकी से अपने फोटो फोटो लेके चले जाते थे। अभी भी थोड़ा झूले करके फिर झूला लगाया हम लोगों ने। इसमें हमारे नीरज शर्मा जी जहाँ पंचायत के प्रधान, उन्होंने मदद की झूले लगाने में, और अभी हमारा फिर इससे आना जाना चला हुआ है। गाँव का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। उसमें 7-8 मकान हुए हैं, एक दुकान है, एक प्राइमरी स्कूल है, बाकी लोगों की ज़मीनें चली गई हैं। अभी राशन तो हमारा जो स्पैन झूला होता है उसमें भेज रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया, बताने की बात ही नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है सामने ही, यहाँ सारी ज़मीनें चले गए लोगों की, हमारा तो घर बार ही गया। ये कपड़े बचे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है। और बहुत से सारे लोगों की ज़मीन चले गए हैं, कईयों के घर चले गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन कोई नहीं आया यहाँ पर। सर नुकसान तो आप वैसे भी देख सकते हैं ना, और यहाँ पे जो ऑफिशियल आए थे यहाँ पर पटवारी साहब जी, उन्होंने मेरे घर को पार्शल डैमेज करा दे दिया। फिर ये पार्शल डैमेज लाए तो चलो फिलहाल मेरी बिल्डिंग खड़ी दिखती है, बेशक दिखती है सर, पर नीचे वाले फ्लोर्स जितने भी है सब में सिल्ट भर चुका है और फाउंडेशन तक निकल आई है। और शाम शाम को हमेशा ये नदी अपना बहाव पर घर की ओर बना लेती है। और जब उनसे बात करी तो उन्होंने बस ये इसको पार्शल डैमेज करा कर दिया। सर यहाँ पर तो कोई रह भी नहीं सकता है इस घर में, कितना खतरा है यहाँ पर। और दूसरा, यहाँ पे विभाग की तरफ से कोई भी हमें कोई हेल्प आई नहीं है अभी तक। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हिमाचल में फिर धरती हिली है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंडी में
भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई है तीव्रता। तो वहीं अभी तक जान माल की हानि की कोई खबर नहीं मिल रही है। जानकारी ये कि हिमाचल में फिर से धरती हिली है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई है तीव्रता। अभी तक जान माल का कोई हानि नहीं है, किसी तरह की जानकारी नहीं मिल रही। तो मंडी से आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, हिमाचल में फिर से धरती हिली है, भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। तो वही आपको बता दें कि रेक्टर स्केल पर 3.3 तीव्रता मापी गई है। तो मंडी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मंडी में भूकंप के झटके को महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल 3.3 मापी गई है तीव्रता। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सोलन में सड़क हादसा पेश आया है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रबोन बाईपास पर यह हादसा पेश आया है, तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से यह हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार ने वाहनों को टक्कर मारी है, हरियाणा नंबर प्लेट की कार ने टक्कर मारी है। सोलन से बड़ी जानकारी दे रहे, वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। सोलन में सड़क हादसा हुआ है, रबोन बाईपास पर यह हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार ने वाहन को टक्कर मार दी है, हरियाणा नंबर प्लेट की ये कार जिसने टक्कर मारी है। हालांकि जो वाहन है वो पूरी तरह से यहां पर क्षतिग्रस्त हो गया है। तो सोलन से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। रुख करेंगे बड़ी जानकारी की ओर, नालागढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नालागढ़ के एसबी आईएटीएम में लूट का एक मामला सामने आया है। बागबानिया में एसबीआई बैंक एटीएम में लूट देखा गया है। एटीएम के अंदर लूटपाट की खबरें सामने आई है, दो मशीनों को तोड़कर पैसे निकाले गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है, हालांकि तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो चोर है, जो बदमाश है, उनका हौसला पूरी तरह से नालागढ़ में बुलंद देखा जा रहा है। मशीनों को तोड़कर यहां पर पैसे की चोरी की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जगत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है नालागढ़ में, यहां पर चोरों और बदमाशों का हौसला पूरी तरह से बुलंद नजर आ रहा है? जी मैं कहना चाहता हूँ, ये नालागढ़ के बागवानिया में ये घटना सामने आई है। बीती रात की ये घटना है। यहाँ पर एसबीआई बैंक के एटीएम में लूट हुई है। लूट फिलहाल ये तो साफ नहीं हो पाया कि कितनों की लूट है, लेकिन ये साफ जरूर पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 19 लाख रुपया मतलब पिछले कल इस एटीएम में लूट हुआ था, जिसके बाद ट्रांजेक्शन भी हुई है पूरे दिन में और रात के समय में। करीबन 1:30 बजे के आसपास की घटना है रात की। पुलिस मौके पर है, जांच की जा रही है, सीसीटीवी संभाली जा रही है और आसपास के जितने भी होटल्स हैं, कंपनीज है, जो भी वहां पर, यहाँ पर पुलिस की जो टीमें हैं अलग अलग जाकर सीसीटीवी फुटेज संभाल रही है, ताकि जो आरोपियों तक पहुंचा जा सके। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो हाल है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होने चाहिए थे उस तरह से नहीं है, जिसको लेकर स्थानीय जनता में भी रोष है और लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से जल्द इन आरोपियों को पकड़ने की, गिरफ्तार करने की जो मांग है यहाँ पर की जा रही है। कहीं ना कहीं लोग अपने आप को असुरक्षित ही अपने घरों में समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मेन हाईवे के ऊपर एटीएम था, करीबन चहल पहल यहाँ पर रहती है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग आते जाते रहते हैं ड्यूटी पर, रात को भी दिन में भी शिफ्टों में काम चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन चोरों ने हौसला इतना बुलंद देखा कि इन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों एटीएमों को एक बड़ी आरी से तोड़कर, एक कटर से तोड़ा गया है और जितना भी कैश था दोनों एटीएमों से, जो एटीएम मशीन ने एक एटीएम था उसके अंदर दो मशीनें थी, दोनों मशीनों से जितना भी कैश था वो लूट कर यहाँ से फरार हो गया। फिलहाल सूचना ये भी मिल रही है कि एक होटल से कोई दिल्ली नंबर की ईओन गाड़ी भी चोरी हुई है। पुलिस का इस हिसाब से भी देख रही है कि चोरों ने उसी ईओन गाड़ी को चोरी करने के बाद ही, चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद उसी गाड़ी में फरार होकर निकले हैं। फिलहाल
पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गहनता से छानबीन कर रही है। बिल्कुल दावा है कि जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो बहुत शुक्रिया जेबी सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नालागढ़ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, हौसला पूरी तरह से यहाँ पर बुलंद है चोरों बदमाशों का। और आपको बता दें कि अभी भी पुलिस नाकाम है चोरों तक पहुंचने में। तो नालागढ़ में ये पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल है अपने आप में कि अभी तक पुलिस चोरों तक पहुंच नहीं पाई है, आरोपी तक पहुंच नहीं पाई है। नाकामी साफ तौर पर देखा जा सकता है। अभी लूटे गए कैश की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। नालागढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पांवटा साहिब से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। पांवटा साहिब में मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है। हैवानियत की यहां पर तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। तेज धार हथियार से बुजुर्ग पर हमला किया गया है। और ये देखिए तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि 65 वर्षीय बुजुर्ग को यहां पर उनके साथ मारपीट की गई है। ये पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पांवटा साहिब से ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो बता दें कि 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है। तेज धार हथियार से बुजुर्ग पर हमला किया गया है। तस्वीरें हैं लेकिन हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ इस तरह से हमला हो जाता है, मारपीट हो जाती है, हैवानियत की पूरी तरह से जो ये मामला है शर्मसार कर देने वाला है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि तफ्तीश चल रही है। पूरा जो ये मामला है पुलिस के संज्ञान में है। तो पांवटा साहिब से ये मारपीट का मामला, 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ ये मारपीट किया गया है। तेज धार हथियार से बुजुर्गों पर माफ कीजिएगा हमला किया गया है। बुजुर्ग की हालत गंभीर है, हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने हमलावर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जाति सूचक शब्द के प्रयोग करने के आरोप में इस बुजुर्ग को पीटा गया है। एक और बड़ी जानकारी हमीरपुर से आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। स्क्रब टाइफस का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, चौंकाना है। स्वास्थ्य विभाग की लोगों से अपील है, लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाएं। खेतों में शरीर को ढककर काम करें। इससे पहले शिमला में ये मामला सामने आया था। स्क्रब टाइफस में एक व्यक्ति की मौत की भी जानकारी मिल रही है। तो स्क्रब टाइफस से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है। बाहर निकले तो शरीर को ढक करके निकले। हमीरपुर में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी जा रही है। लेबोरेटरी का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वीक फेलिक्स टेस्ट उसको कहा जाता है। तो वीक फेलिक्स पॉजिटिव मामला हमारे पास स्क्रब टाइफस का एक ही अभी तक सामने आया है। कि स्क्रब जो है वो एक रिकेट्सिल बैक्टीरिया होता है, उसके काटने से ये स्क्रब नाम की बीमारी होती है। तो जब लोग खेतों में जाते हैं तो ये रिकेट्सिल बैक्टीरिया जो है वो शरीर पे जो हमारे नंगे अंग होते हैं उन पे काटता है। तो हमारी लोगों से यही एहतियात बरतने की अपील है कि वो अपने शरीर को जैसे पूरी बाजू ढक के रखें, टांगें ढक के रखें जब खेतों में काम करने के लिए जाना हो। तो ऐसा है कि जो अभी तक जो निर्देश हैं, कोई भी फीवर का केस जो अगर आता है और जरा सी भी संदेह उसमें होता है कि डॉक्सी उसमें स्क्रब होने की आशंका है, तो डॉक्सीसाइक्लिन जो टेबलेट है वो अगली से अगली स्टार्ट करने की स्पीड में दी गई है। पहली बार महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट से देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन पेरिस ओलंपिक में फाइनल खेलने से पहले ओवरवेट होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने से पूरे भारत में निराशा का माहौल है। वहीं फीफा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुशल तिवारी ने भी विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर दुख जताया है। इंटरनेशनल प्लेयर जिसे मैं पर्सनली भी जानता हूं, तो विनेश जैसी प्लेयर अगर बाउट से बाहर हो गई है, डिस्क्वालीफाई हो गई है, तो सर मैं नहीं मानता कि कंट्री के लिए अच्छी बात है। परफॉर्मेंस टीम को और स्ट्रॉन्ग डेटा कलेक्शंस करनी चाहिए और एथलीट के बॉडी मेजरमेंट्स, फिगर आउट परफॉर्मेंस, इन चीज़ों पे और ज़्यादा फोकस करके
और उसको बिल्डअप करके फिर एथलीट को प्रिपेयर करना चाहिए। 100 ग्राम की वजह से 4 साल की मेहनत पानी में चले जाए, ये हम इंडियंस के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। उस एथलीट के लिए तो मेरी सांत्वना है, लेकिन हम इंडियंस के लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि एक नहीं 6 से 7 मेडल्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लैकिंग में आए हैं, अगर कोई ओलंपिक फॉलो करता है अच्छे से। तो इंडिया 6-7 मेडल इजीली निकाल सकता था इस ओलंपिक में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लैकिंग के कारण ये मेडल्स गए हैं। तो अभी इतनी करोड़ों की पॉपुलेशन में अभी भी हमें और अपग्रेड होने की जरूरत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है। बैंक की सशक्त महिला ऋण योजना महिलाओं के और उनके दैनिक जीवन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिना गारंटी ऋण प्रदान कर रही है। वहीं योजना के तहत महिलाएं अपने दिन प्रतिदिन की जरूरत को पूरा करने और अपने परिवार के उत्थान के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह के दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भंसराडू में नए बस स्टैंड की उद्घाटन किया है। तो वहीं अब लोगों को जल्द इस बस स्टैंड से बस की सुविधा मिलेगी। इसी को लेकर स्थानीय निवासी का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें बस स्टैंड की सौगात दी गई है, इसके लिए वो सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बस स्टैंड की सुविधा मिली है, बहुत अच्छा बढ़िया बनाया है। हमें जल्द से जल्द इसका उद्घाटन भी हो चुका है मिंजर के टाइम में, और जल्द से जल्द यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था होना चाहिए। 2-3 दिन में ऐसा ही होना चाहिए, क्यों हमारे यहाँ नाइट की बसें आती हैं और रात को रहती हैं, और रहने की व्यवस्था होना चाहिए, और साथ में यहाँ खाने पीने का भी व्यवस्था होना चाहिए। बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात की है। विक्रमादित्य सिंह की पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है, प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगे मुलाकात के दौरान। तो प्रदेशाध्यक्ष पीडब्ल्यूडी मंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दोनों राज्यों के मंत्रियों की मुलाकात में क्या कुछ खास रहा ये भी देखेंगे। विक्रमादित्य सिंह की पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कई मायनों में खास माना जा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो उत्तराखंड हिमाचल की कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड और हिमाचल की जो कनेक्टिविटी है उसको लेकर बातचीत की गई है पीडब्ल्यूडी मंत्री से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, विक्रमादित्य सिंह की पुष्कर सिंह धामी से भेंट की तस्वीरें, प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही है। दोनों राज्यों के कनेक्टिविटी पर विचार विमर्श किया गया है, बातचीत की गई है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाले पुल जल्द तैयार होंगे। तो हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, साथ में हिमाचल के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही हैं। दोनों राज्यों के कनेक्टिविटी को लेकर के इस मुलाकात के दौरान विचार विमर्श किया गया है, चर्चा हुई है। तो वही आपको बता दें कि दोनों राज्यों के जोड़ने वाला जो पुल है उस पर विचार किया गया है, मंथन किया गया है। तो विक्रमादित्य सिंह की सीएम धामी से मुलाकात हुई है, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल की मौजूद रही है प्रतिभा सिंह। दोनों राज्यों को जोड़ने वाले पुल पर विचार विमर्श मंथन किया गया है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।